कि मुझे कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि व्यास गद्दी पे स्त्री बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा कहे। आपको लगता है ये अनुचित है? अब कि वो उचित तो नहीं, लेकिन युवा अगर जिसकी कथा में युवा आते हैं तो वो कथा सफल मानी जाती है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल, और आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम ही नहीं बल्कि पूरा देश उनसे परिचित है। हम आज बात कर रहे हैं संस्कार एवं आस्था टीवी के भागवताचार्य पंडित रमाकांत व्यास, आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार जी। आज दबो में आपकी पहली कथा, आप पधारे हैं माँ संकटा देवी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, क्या कहना चाहेंगे? दबोई वासियों का प्रेम हमें बहुत शुरू से ही मिलता रहा है, तो उसमें मेरी भी बहुत इच्छा थी कि दबोवासियों के बीच में मैं कथा कहूं। और ये संकटा मैया का जो स्थान है, ये वास्तव में ये जो देवी है ये संकट को हरण करने वाली ही हैं, और ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव होता है 21 फरवरी से 28 फरवरी तक, और ये पाँचवा वार्षिकोत्सव है। प्रतिवर्ष यहाँ के समिति के लोग यहाँ संकटा मैया का वार्षिकोत्सव मनाते हैं, तो इस बार ये 2-3 वर्ष से हमसे लगे हुए थे कथा के लिए, लेकिन ये ऐसा संयोग नहीं बन पाया, व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया, लेकिन इस बार हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कथा करके आप लोगों के बीच में, सब लोगों के बीच में, प्रेमीजनों के बीच में, तो खूब कथा का आनंद ले रहा हूँ। आज महामंडलेश्वर दंदरुआ सरकार भी पधारे थे, आपकी कथा में क्या कहना चाहिए? दंदरुआ सरकार तो ऐसे सहज संत हैं, मैंने कथा में कई बार बोला है कि ये संत की परिभाषा है, इनको सिर्फ देख लो। मैं कहता हूँ कि संत की परिभाषा क्या है, संत किसे कहते हैं? जिसका तन चलता रहे पर मन स्थिर रहे वो संत है, जिसका जीवन गतिशील हो पर उसकी दिशा सही हो तो वो संत है। और मैं तो ये कहता हूँ सच्चा संत वो होता है कि जो अपनी वाणी से कम आचरण से ज़्यादा उपदेश करता हो। सच्चा संत वह है जो ये कह सके माई लाइफ इज माई मैसेज, यानी मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो दंदरुआ सरकार को देखकर के बस यही लगता है कि माई लाइफ इज माई मैसेज, यानी मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनको देख करके, उनकी दिनचर्या को देख करके, बस वही संत की परिभाषा है कि संत ऐसा होना चाहिए। उनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, ऐसे सहज संत हैं, कोई भी उनको पकड़ लेता है, महाराज जी आप आओ, जो संत का स्वभाव होता है तो वो वहाँ चले जाते हैं, कितनी भी जरूरी कहीं जाना हो तो फिर वो सब काम छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। ऐसे सहज संत हैं दंदरुआ सरकार, और उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है और बड़ी प्रशंसा, वो जबकि मैं इतने प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन जाने के वो उनका आशीर्वाद मुझे ऐसा मिलता है कि वो हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, उनका बहुत आशीर्वाद मेरे पास ऊपर है। आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कथा व्यास पंडित रमाकांत व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आपकी कथाएं समूचे देश में आपकी कथाएं होती हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में भागवत कथा का क्या अर्थ है और ये क्या है, आखिर से आज के कलयुग में क्या महिमा है? भागवत तो वैसे तो हमारे धर्मशास्त्र के भागवत में ये महत्व लिखा है कि ये मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, लेकिन फिर भी भागवत कथा के माध्यम से हम समाज को जो देते हैं, भागवत की कथा तो हर कोई जानता है, कथाएं कहानियां सब कोई जानता है, लेकिन हम कथा के माध्यम से समाज को क्या दे रहे हैं, समाज सुधार की हम क्या बात कर रहे हैं? और कथा वही सफल होती है जिसमें एक बात महिलाओं के हिसाब की हो, एक बात बुद्धिजीवियों के हिसाब की हो, एक बात बच्चों के हिसाब की हो, एक बात राजनीतिक लोग बैठे उनके हिसाब की हो, एक बात पत्रकारों के हिसाब की हो, हर व्यक्ति के को यदि अपना मैटर जो मिलता जाएगा उसमें तो उसी ये लगेगा कि महाराज जी मेरी कथा कह रहे हैं, क्योंकि कथा जो है वो जीवन से जुड़ती है। किसी न किसी व्यक्ति को ये लगता है कि हो सकता है कि महाराज जी मेरी कथा कह रहे हो, जब कोई घटना होती है तो उसे ये लगता है कि महाराज जी मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो कथा जो है, कथा से घर में समृद्धि आती है, व्यक्ति का जीवन बदलता है, सत्संग से, सत्संग से ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। तो कथाओं का सबसे ज़्यादा महत्व ये है कि समाज में सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो होता है वो कथा से ही हो सकता है, इसलिए युवा पीढ़ी को इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ मेरी कथा में युवा लोग बहुत जुड़ते हैं और बड़ी श्रद्धा से कथा सुनते हैं, और हमें उसका परिवर्तन और वो हमें दिखाई भी दे रहा है। जी व्यास जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी कथा में तो युवाओं की संख्या रहती है, लेकिन अधिकांश कथाओं में दिखाई जाती है कि महिलाओं की संख्या अपार संख्या रहती है, वहाँ युवा दिखाई नहीं देते हैं, जबकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, युवा भारत का निर्माता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि देखो, जिसकी कथा में युवा नहीं है, अब महिलाओं को तो बस ये है कि महिलाओं को तो कथा में आना ही है, लेकिन युवा अगर जिसकी कथा में युवा आते हैं तो वो कथा सफल मानी जाती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि राष्ट्र जो है
वो आकार ले रहा है, राष्ट्र का भविष्य जो है वो युवाओं के हाथ में है। तो जब तक युवा कथा में नहीं आएंगे तब तक फिर राष्ट्र में परिवर्तन और राष्ट्र का उत्थान कैसे हो सकता है। तो कथा के माध्यम से बहुत कुछ बातें ऐसी मिलती हैं हमें देखने को और सुनने को कि जैसे भगवान राम ने अपने जीवन काल में क्या किया है, भगवान राम की पितृभक्ति, भगवान राम की मातृभक्ति, भगवान राम का राष्ट्र प्रेम, भगवान राम का भ्रातृ प्रेम। तो इन सब बातों के ऊपर जब मैं बोलता हूँ तो युवा बड़े ध्यान से सुनता है, तो उसे ये पता चलता है कि हमें भाई से प्रेम कैसे करना चाहिए, देश प्रेम कैसे करना चाहिए, माँ की सेवा कैसे करना चाहिए, पिता की सेवा कैसे करना चाहिए, एक स्त्री के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमें किस दृष्टि से, हम स्त्री को किस सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो कथा बस यही है, कथा जीवन बदलती है व्यक्ति की, इसलिए युवाओं का बहुत जरूरी है आना कथाओं में, और युवाओं से ही हमारा राष्ट्र बनता है। कलयुग में राम जैसा चरित्र युवाओं में आ सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं आ सकता है। मैंने कथा के माध्यम से ये भी कहा है कि राम जैसा चरित्र तभी आ सकता है जब माता पिता ये सोच लें कि हम बचपन से ही बच्चे को ये बताएं कि राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे जब आदर्श हैं तो राम के बारे में बताए, क्योंकि हम राम की लीलाओं का ही उदाहरण दे सकते हैं। कृष्ण के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि राम ने जो किया है हमें वो करना है, पर कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है, कृष्ण ने जो कहा है हमें वो करना है। तो राम का चरित्र व्यक्ति के अंदर तभी आ सकता है जब बचपन से ही माता पिता अपने बच्चों को ये बताएं कि राम क्या है और राम की संस्कृति क्या है, और जब बचपन से ही ये बताएंगे तो फिर उनमें ये परिवर्तन आ सकता है, तो वो राम की संस्कृति को अपना सकते हैं और राम जैसे बन सकते हैं, और हैं कई लोग ऐसे। आपने एक सवाल, इसमें एक सवाल निकलता है आपकी बात से, आपने कहा कृष्ण को नहीं अपनाना चाहिए या कृष्ण को राम को अपनाना चाहिए, जबकि कृष्ण ने भागवत कथा कही है और वही आप पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये जो कहा कि जो क्या है, ज़्यादातर बुद्धिजीवी समाज नहीं है। समाज क्या है कि एक तो क्या होता कि जैसे भगवान की लीलाओं का अर्थ गलत लगा लेता है, कि जैसे चीरहरण लीला है तो चीर, जैसे भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, मैंने इसलिए कहा वो, मैं उसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि गोपियों के वस्त्रों को चुराया। अब जो साधारण लोग होते हैं वो उसका तत्व नहीं समझते हैं और ये कहने लगते हैं कि देखो भगवान ही जब ऐसा करेंगे, भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया तो साधारण जनमानस में क्या संदेश जाएगा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका वो तत्व नहीं समझते हैं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को क्यों चुराया। तो इसलिए मेरा ये कहना, अब उसके बारे में यदि आप जानना चाहें कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को क्यों चुराया, भला सोचिए जब भगवान ने गोपियों को वस्त्रों को चुराया उस समय उनकी उम्र मात्र 6 और 6.5 वर्ष की थी, 6 से 6.5 वर्ष के बीच की। तो ये सोचना चाहिए, जो लोग गलत लालछन लगाते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए 6 और 6.5 वर्ष के बच्चे के हृदय में कभी काम भाव पैदा नहीं होता है, उनकी दृष्टि गलत नहीं थी, उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया है। कि उस समय जल में नग्न होकर के स्नान करने की कुप्रथा थी, इस कुप्रथा को मिटने के लिए कि हम वस्त्र डाल लेंगे और इससे एक संदेश जाएगा, उनसे वचन ले लेंगे कि नहीं आज के बाद में तुम जल में इससे स्नान नहीं करोगे, तो उसमें एक नहीं दो दो अपराध बने थे गोपियों से। एक तो लौकिक अपराध जो जल में नग्न होकर के स्नान किया, एक धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध जब व्यक्ति व्रत करता है तो उसे निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, तो उसमें वरुण देवता का अपमान होता है। तो अपनी लीला के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया है, इसलिए उन्होंने ऐसी लीलाएँ की। अब साधारण लोग उस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने ये कहा है कि कृष्ण की लीला जो है बुद्धिजीवी लोग उसको जानते हैं, तो बुद्धिजीवी लोग तो उसे अपने हिसाब से घटा लेते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य उनकी लीलाओं का उदाहरण देने लगते हैं। तो इसलिए राम का जो चरित्र है वो हमें अपनाना है, कृष्ण ने जो कहा है, जैसे गीता का उपदेश दिया है, गीता तो एक ऐसा, हमारे देश की पहचान जो है वो गीता से। सिकंदर जब भारतवर्ष में आया था तो उसके गुरु ने ये कहा था कि भारत जा रहे हो विजय प्राप्त करने के लिए, तो तुम वहाँ से 6 चीज़ें लाना है, गीता, गायत्री, गोरज, गीता, गायत्री, गोरज, गंगा जल, ये, और कृष्ण चरित्र महान, ऐसा कोई दोहा है वो मुझे विस्मरण हो रहा है कि नपुंसकता को प्राप्त हुआ अर्जुन भी जब गीता का ज्ञान जब उसे प्राप्त हो गया तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। गंगा जल की ये विशेषता है, ये चीज़ें भारतवर्ष में ही मिलेंगी आपको। गंगा जल की ये विशेषता है, आप किसी भी और जल को आप किसी भी पात्र में रख दें वो कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जल कभी खराब नहीं होता है, आप उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। और गायत्री, गायत्री की कितनी महिमा है, गायत्री की अगर महिमा वर्णन की जाए कि एक बार इतना टाइम हो तो मैं बताऊँ उसको भी, तो गायत्री की तो इतनी महिमा है कि उसके बारे में क्या गीता, गायत्री, गोरज, और ये लक्ष्मण की खींची हुई रेखा, जो उस रेखा
मैं ये वो था कि आप अंदर से बाहर तो आ सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकते, इस पर सोच चल रहा है बहुत बड़ा कि इसमें ऐसा क्या था। तो ये जो वस्तुएं हैं ये भारतवर्ष में ही विद्यमान है। तो सिकंदर ने जब ये वो आया तो उनके गुरु ने कहा था भारत से ये चीज़ें लेकर के आना, तो हमारा भारतवर्ष तो महान है ही जी। आप भागवत कथा के ज्ञान में एक चर्चित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, देश में आप ख्याति प्राप्त हैं, एक बड़ा सवाल आपके बीच में रखना चाहेंगे, ब्यास गद्दी से क्या स्त्री को कथा कहना उसे फल मिलता है क्या? नहीं नहीं देखो ऐसा है, ब्यास गद्दी पर कहीं ये नहीं लिखा है, ये तो मैं इसका विरोध तो मैं नहीं करता हूँ कि स्त्रियों को गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मुझे कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि ब्यास गद्दी पर स्त्री बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा कहे, ये मुझे कहीं प्रमाण नहीं मिला है। अब आजकल जो चल रहा है कर रहे हैं कथा है, सत्संग आप कर सकते हैं, लेकिन एक अनुष्ठानात्मक जो कथा होती है उसमें इसका परहेज होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी और भी विद्वानों के मुख से ये सुना है, तो इस वजह से मैं भी ये कहता हूँ कि कोई ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है कि व्यास गद्दी पर बैठ के स्त्री श्रीमद् भागवत की कथा कहे। आपको लगता है ये अनुचित है? अब अनुचित तो हाँ, यही मान लो मैं तो विद्वानों के साथ ही जाना चाहूँगा कि विद्वान लोग जो कहते हैं उस हिसाब से मैं जाना चाहूँगा कि वो उचित तो नहीं। एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल करना चाहेंगे, आपके चेहरे पर जो तेज रहता है किस तरीके से देखते हैं, इस तेज की रक्षा कैसे युवा करें? आज की दृष्टि में देखा जाता है कि युवा अपना तेज खोते चले जा रहे हैं, और आप अपने तेज को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं? देखो तेज के बारे में तो जिस समय अर्जुन का तेज जब भगवान ने खींच लिया है, अर्जुन का बहुत तेज बाण थे, जब खींच लिया तो युधिष्ठिर के सामने जब अर्जुन आए तो युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम्हारा तेज कहाँ गया? व्यक्ति का तेज नष्ट कब होता है? तीन बातों से तेज नष्ट होता है। व्यक्ति यदि चरित्रहीन हो जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, तो उस व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। या धोखे से भी यदि गाय का वध हो जाए, गाय मर जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। या हम जिसके बगैर जीवन में एक पल भी हमने रहना न सीखा हो, यदि वो व्यक्ति हमको छोड़कर के हमेशा के लिए चला जाए तो व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। ये तीन बातें तो ये, और दूसरी बात ये है कि भागवत में ये आया है कि सनत कुमारों के चेहरे पर जो तेज दिखता था वो तेज भजन का तेज था। बादाम रोगन की सुंदरता वो अलग है, वो तो जितना लगा लो उतनी समय तक की वो रहेगी, लेकिन जो भजन की तेजस्वता होती है, हरिशरणम जो व्यक्ति जप करता है, जरा आयुष्मान न बाधते, जरा माने होता है बुढ़ापा, उस व्यक्ति को कभी बुढ़ापा नहीं व्याप्ता, बुढ़ापे का मतलब बुढ़ापे में भी उसका चेहरा चमकता रहता है, ये भजन का तेज है। मैं तो ये मानता हूँ संतों की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, मैं इसके लिए न कोई क्रीम लगाता हूँ न कोई ऐसा उपाय करता हूँ जिसकी वजह से आप लोगों की दृष्टि है कि जो आप लोगों को हमारे चेहरे पर तेज दिखाई देता है। बस मैं तो जिसके प्रति हमारा भागवत प्राण है तो हम उसके प्रति ईमानदारी से हम श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और उसके प्रति समर्पित हैं, अपने गुरु श्री राउतपुरा सरकार के लिए समर्पित हैं, बस उनकी कृपा हमारे ऊपर है, इसलिए ये सब। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए आपकी उत्पत्ति हुई इस धरती पर, क्या मानते हैं आप? हमारा जीवन का लक्ष्य ये है कि समाज सुधार हो हमारे द्वारा। मनुष्य जन्म का हेतु ये नहीं है कि साहब हम अपने लिए जिए, हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। अपने लिए तो पशु हैं, बस ठीक है, अपना खा लिया पी लिया बस वो है। हमारा मनुष्य जन्म का हेतु ये है, तो वो ही मेरा हेतु है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, समाज में हमारी वाणी के द्वारा कोई परिवर्तन हो जाए। मैं ये मानता हूँ कि हजारों की संख्या में लोग मेरी कथा सुनते हैं, उसमें से अगर एक व्यक्ति के जीवन में ही परिवर्तन आ जाता है तो मैं अपनी कथा को सफल मानता हूँ। एक अजामल जैसा दुराचारी सत्य आचरण करने लग जाए, एक धुंधकारी जैसे महान खल का उद्धार हो जाए मेरी कथा के माध्यम से, तो मैं अपनी कथा को सफल मानता हूँ। तो आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आप सुन रहे थे संस्कार एवं आस्था टीवी के भगवताचार्य पंडित रमाकांत व्यास जी को। हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की, यदि आपके कोई सवाल हो तो आप हमें लिख सकते हैं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ, नमस्कार। जन अदालत न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ, नमस्कार। Evergreen Colors India Private Limited, रंग है तो जीवन है। Stay home, stay safe.